खबर वाराणसी से है। बुधवार को विद्यापीठ छात्र संघ नामांकन के दौरान हुए बवाल के बाद आज गुरुवार को समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी वाराणसी से मुलाकात की और उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा। वहीं बातचीत के दौरान महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने बताया कि छात्र संघ चुनाव समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब से छात्र हितों के लिए समाजवादी पार्टी तत्पर है। साथ ही आरोप लगाया कि कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो मारपीट हुई उसमें एबीवीपी के समर्थकों ने समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशियों को मारा पीटा, उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त की, बावजूद इसके प्रशासन ने केवल समाजवादी पार्टी छात्र संघ के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। हमारी मांग है कि प्रशासन विद्यापीठ चुनाव को लेकर गंभीर हो और चुनाव सुरक्षित व सकुशल सम्पन्न करवाए। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। से लोहिया जी के जमाने से माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से और अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के समय पर छात्र संघ चुनाव निर्विघ्न निर्विरोध संपन्न हो, उसमें कोई विवाद न हो, इसके लिए हमेशा पक्षधर रही है। छात्र संघों के ताले भी समाजवादी पार्टी ने खुलवाए हैं, लेकिन कल जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सत्ता के मध्य में चूर होकर उत्तर प्रदेश के अंदर शासन भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और सत्ता मध्य में चूर होकर जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारियों पर हमले किए, समाजवादी छात्र सभा के छात्रों के ऊपर बेतहाशा हमला किया, पत्थरों से, लाठी से, डंडे से, आप सब वहाँ पर थे, देख रहे थे किस तरीके से गाड़ियाँ तोड़ी जा रही थी समाजवादी पार्टी समाजवादी छात्र सभा के छात्रों की, तो ये एकदम असहनीय है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने छात्रों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि हम वाद विवाद और प्रतिरोध की राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव का जो औचित्य है वो हल हो और विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर निर्विघ्न रूप से, निर्विरोध रूप से, निर्विवादित रूप से ये चुनाव सम्पन्न हो, तो प्रशासन ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि चुनाव सही ढंग से संपन्न हो पाए। और ये जिन लोगों ने कल कानून को हाथ में लेने का काम किया है उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि अगर पुलिस की हनक या कानून का भय आज की तारीख में अगर छात्रों पर नहीं है तो आने वाले दौर में वो एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। इन मांगों के साथ हम लोग आए थे, यही मंशा हमारी है कि छात्र जी अपना परिचय। जी मैं अभिषेक मिश्रा आडी, बनारस समाजवादी छात्र सभा अध्यक्ष। हम लोग बस एक विषय था हम लोगों का कि ये देश आज़ाद है और इस देश में जितना अधिकार किसी वर्तमान पार्टी का, जीती हुई पार्टी का है, उतना ही सबका है। और अगर समाजवादी छात्र सभा हो, NSUI हो और कोई भी निर्दल संगठन हो, अगर उनको जितना ABVP को सम्मान और जितनी उनकी मदद की जाती है उतना ही सबकी की जानी चाहिए। लोकतंत्र है, यहाँ देश आज़ाद है और लोगों को एक जैसी मदद मिलनी चाहिए। लेकिन कल इसका उल्टा हुआ। कल ABVP के साथ लोगों ने रह के, प्रशासन ने समाजवादी छात्र सभा को पूरी ताकत के साथ धकेल के, पीट के और हटाने का काम किया, और जो कि ABVP ने उनको धकेला, उनको धकेल के उनको चोटिल किया, वहीं समाजवादी छात्र सभा की एक जीप को फोड़ दिया, उसके बाद भी मुकदमा लिखाया केवल हम ही लोगों के ऊपर। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के चुनाव हैं और समाजवादी छात्र सभा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, 3 साल से चुनाव जीती है। एक ये भी कारण हो सकता है कि ABVP खिसिया गई है और वो खिसियाने के कारणवश जब उनका एक भी पद 3 सालों में नहीं जीता तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की मदद लेके ही चुनाव जीता जाए।